अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त से दाल मखनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में ज़बरदस्त और बहुत मज़े का है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत आसान रेसिपी है। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना ज़बरदस्ती दाल मखनी। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने दाल लिया था, काली उड़द की दाल है, और एक मुट्ठी मैंने इसमें राजमा मिला दिया था। देखिए ये बिल्कुल फूल गया है, 8 से 10 घंटा मैंने इसे भिगो कर रख दिया था। इसको 7-8 बार मैंने अच्छी तरह से धोया कि इसका जो गंदगी है, इसका कलर है, वो निकल जाए। देखिए पानी बिल्कुल साफ है, क्लियर है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे। इधर मैंने टमाटर चढ़ा के रखा है, टमाटर की प्यूरी तैयार करनी है। और ये अच्छी तरह से लग रहा है कि हो गया है, बॉयल हो गया है टमाटर। इसे गैस बंद करते ठंडा करके छिलका उतार कर इसके छिलका उतार के इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है और इसमें दाल जो लेके रखा है उसे चढ़ा देंगे। दाल को अच्छी तरह से बॉयल करना है। दाल मैंने 1 कप लिया और 1 मुट्ठी के लगभग राजमा लिया है। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि राजमा और दाल गलने में टाइम लगता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक मसाले में भी जाएगा, उसके हिसाब से डालना है। इसमें थोड़ा सा इस तरह से लहसुन डाल देंगे, इससे टेस्ट बढ़िया हो जाता है। और 1 टेबल स्पून ऑयल बस। इसमें और कुछ नहीं डालना है और इसे गलने के लिए चढ़ा देंगे। कुकर भी ऑफ करते हैं और जब तक कि बॉयल नहीं हो जाता है, दाल गलने जाती है अच्छी तरह से, इसे कुक कर लेंगे। देखिए टमाटर को मैंने छिलका उतार दिया और इसे इस तरह से कट करके अच्छी तरह से उसके बाद इसका प्यूरी तैयार कर लेंगे। बिल्कुल देखिए दाल मैंने बंद कर दिया और दाल अच्छी तरह से गल गई है। देखिए दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अभी और इसे पकना भी है और राजमा भी गला हुआ है। आइए इसके लिए मसाला ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है कि बटर जले नहीं और बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट होने लगा, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने दिखाया था उसका पेस्ट मैंने तैयार किया है। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना, हल्का सा मुँह में चमकाना चाहिए। देखिए इस तरह से थोड़ा दर्रा, बहुत ज़्यादा पानी डाल के पेस्ट नहीं करना। इसको 1-2 मिनट अच्छी तरह से भून लेते हैं कि अदरक लहसुन का कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाए। देखिए हल्का हल्का लहसुन इस तरह से दिख रहा है। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुना गया, इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे कि कलर बहुत ज़बरदस्त सा और अच्छा सा आ जाए। 2-4 सेकंड इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ। और जो टोमेटो प्यूरी बना के रखा है उसे ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं कि मसाला अच्छी तरह से भुना जाए। इसे कवर करते हैं और जब तक भून लेते हैं जब तक कि मसाला अच्छी तरह से भुना ना जाए, ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आइए चेक कर लेते हैं। टमाटर अच्छी तरह से भुना गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डलता है, मसाला सिर्फ टमाटर का रहता है, अदरक और लहसुन रहता है। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अब ये जो दाल मैंने बना के रखी उसे ऐड कर देंगे। अगर इस तरह का पानी अगर आपके में ज़्यादा हो तो हटा दीजिएगा, नहीं तो दाल काली लगने लगती है। बस बहुत ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर मिक्स करेंगे इस तरह से। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर दिख रहा है इसका। हाई फ्लेम पर इसे मैंने 4-5 मिनट अच्छी तरह से पका लिया है। मसाला बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे धीमे आंच पे अच्छी तरह से कुक करेंगे 10 मिनट तक कि दाल एकदम सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये धीमे आंच पे और अच्छी तरह से 15-10 जितना मिनट आप पकाएंगे, 10 से 15 मिनट भी लगा लीजिए, उतनी अच्छी आपकी दाल तैयार होगी। पानी मैंने ऐड कर दिया है। नमक मिर्च इस टाइम पे टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं।
और इसे कवर करते हैं और धीमे आंच पे इसे कुक होने देते हैं। बीच बीच में चलाते रहेंगे कि नीचे सटे नहीं। आइए चेक करते हैं। ओके, बीच बीच में मैं इसे चलाती रहती, इस तरह से घोटते रहना है इसे, और इस तरह से मैं करती रहती कि अच्छी तरह से दाल गल जाए। इस तरह से कितनी ज़बरदस्त सी बिल्कुल दाल मखनी तैयार हुई है। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा बिल्कुल आया है। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, गैस अब ऑफ कर देते हैं और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी लिया मैंने और ये रोस्ट कर लिया मैंने, इसे एक बार अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। क्रीम लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कितना जबरदस्त सा कलर आ गया इसका, देखिए कितना मजेदार सी दाल मखनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई। कितनी जबरदस्त सी दाल मखनी बनके बिल्कुल तैयार हुई। कितनी आसान रेसिपी है, कोई बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं होती और वेज वालों के लिए सबसे जबरदस्त रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरह से दाल मखनी जरूर ट्राई करें। बहुत जबरदस्त रेसिपी है और खाने में बहुत मजे की लगती है। ऊपर से इस तरह से क्रीम डालें और इसे सर्व करें, बहुत जबरदस्त लगता है। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और बहुत मजे की रेसिपी है। कोई भी स्पेशल ओकेजन हो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।